इससे पिछले लेक्चर्स में हमने पार्शियल फ्रैक्शंस के दो केस स्टडी किए। पहला केस जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स थे। दूसरा केस हमने स्टडी किया जब हमारे पास डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स थे। इस लेक्चर में हम पार्शियल फ्रैक्शंस का केस नंबर 3 स्टडी करेंगे जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होता है। इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर एक ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसको हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स नहीं लिख सकते। सो ए क्वाड्रेटिक फैक्टर इज इररिड्यूसिबल इफ it cannot be written as the product of two linear factors with real coefficients. For example, x square plus x plus 1 and x square plus 3. ये जो हैं ये हमारे पास irreducible quadratic factor हैं कि जिनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स नहीं लिख सकते जिनके हमारे पास रियल कोफिशिएंट्स हों। तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में एक इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा, नॉन रिपीटेड होगा, तो उसके पार्शियल फ्रैक्शंस का जो मेथड है वो कुछ इस तरीके से है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये फैक्टर है एक्स ओवर ए एक्स स्क्र प्लस बी, ये जो है ए एक्स स्क्र प्लस बी है ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो इसके जब हम पार्शियल फ्रैक्शंस सपोज करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से करेंगे ए एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्र प्लस बी, और वैल्यूज हमने फाइंड करनी होंगी ए और बी की। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे इसको सीखते हैं। एग्जाम्पल है रिजॉल्व थ्री एक्स माइनस 11 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। अब ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसमें ये एक्स स्क्र प्लस 1 जो है ये हमारे पास एक इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और एक्स प्लस 3 जो है ये तो हमारे पास लीनियर फैक्टर ही है। सबसे पहले वही स्टेप करेंगे कि हम सपोज करेंगे इसके पार्शियल फ्रैक्शंस 3x माइनस 11 ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू। अब ये हमारे पास एक इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस लिखने का मेथड इस तरीके से है कि ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये लीनियर फैक्टर है तो ये बिल्कुल उसी तरीके से लिखा जाएगा जिस तरीके से हम पहले लीनियर फैक्टर्स को लिखते आए हैं सी ओवर एक्स प्लस 3। अब हमने वैल्यूज फाइंड करनी है ए, बी और सी की। इम्पोर्टेंट स्टेप जो पार्शियल फ्रैक्शंस में है वो यही होता है कि हमने जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं वो अज्यूम कैसे करने हैं। जब भी हमारे पास एक इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो उसके जब हम पार्शियल फ्रैक्शंस लिखेंगे तो वो इस तरीके से लिखेंगे ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे विद कॉमन फैक्टर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय कॉमन फैक्टर हमारे पास है एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा 3x माइनस 11 इज इक्वल टू ax plus b into x plus 3 plus c into एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमने ए बी और सी की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड करनी है। अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी हो सी की तो हम इस एक्स प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट कर दें तो वहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3। वो x की वैल्यू -3 इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। सो पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। जब x की जगह पे -3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू -3 -11 इज इक्वल टू ये सारे टर्म 0 हो जाएगी तो c इंटू -3 स्क्वेयर प्लस 1। फर्दर सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा -9 -11 इज इक्वल टू 3 3 9, 9 प्लस 1 10, 10c और 10c इज इक्वल टू -20 which implies that c is equal to -2। हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है a और b की, तो इसी इक्वेशन नंबर 1 को हम इसमें स्केल्स ओपन करेंगे और इस फैक्टर ax plus b और x plus 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर x और जो कॉन्स्टेंट्स होंगे कोएफिशिएंट्स सारे इकट्ठे कर लेंगे। तो इसको करते हैं कि 3x माइनस 11 इज इक्वल टू, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फैक्टर्स जो हैं वो इस तरीके से आ जाएंगे a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3b प्लस सी। ये सिंपली इन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को, एक्स वाले टर्म्स को और कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा कर दिया। अब हम उसी तरीके से कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स दोनों साइड्स पे। फॉर एक्स स्क्वायर, जब हम एक्स स्क्वायर के लिए इसको कंपेयर करेंगे तो इस साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 0 है और इस साइड पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a प्लस सी है। तो c की वैल्यू तो हमारे पास है -2, तो यहाँ पे c की जगह पे -2 पुट कर देंगे तो a -2 इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 2। हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई। अब हम इसको x के लिए कंपेयर करेंगे। फॉर x इस तरफ x का कोफिशिएंट है 3 और इस तरफ है 3a प्लस b। यहां से हमारे पास a की वैल्यू है जो कि है 2, 3 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 3 विच इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास a, b और c की जो वैल्यूज हैं वो आ गई, वो हम पुट कर देंगे तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगे 3x माइनस 11 ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड -2 ओवर एक्स प्लस 3। सिंपली यहाँ पे ए, बी और सी की जगह पे वैल्यूज हमने पुट की हैं। इस लेक्चर में हमने पार्शियल फ्रैक्शंस का केस नंबर 3 स्टडी किया। केस नंबर 3 हमारे पास ये है जब हमारे पास डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। नॉन रिपीटेड वो रिपीट नहीं हो रहा होगा, और इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर एक ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर है कि जिसको हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स नहीं लिख सकते कि लीनियर फैक्टर्स के रियल कोएफिशिएंट्स हों। तो जब भी हमारे पास कोई इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा इन ए फ्रैक्शन इन डिनोमिनेटर, तो उसको जो पार्शियल फ्रैक्शंस हम एज्यूम करते हैं वो कुछ इस तरीके से करेंगे कि ax प्लस बी डिवाइडेड बाय दैट इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। एक एग्जांपल हमने देखी जिसमें हमारे पास फैक्टर है 3x माइनस 11 ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो जब हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शंस को सपोज किया तो जो हमारे पास इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर था उसका जो डिनोमिनेटर है वो आ गया ax प्लस बी ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस सी ओवर दैट इज लीनियर फैक्टर। उसके बाद सारे स्टेप्स वही हैं जो हम पहले पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए करते आए हैं कि दोनों साइड्स को कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। उस इक्वेशन में से c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने x की जगह पे -3 पुट किया तो c की वैल्यू आ गई जो कि -2। उसके बाद हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और जब हम जो हमारे पास लाइक टर्म्स थी उनके कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करके लिख दिया और दोनों साइड्स पे कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो हमारे पास a और b की वैल्यूज आ गई। वो जो वैल्यूज थी वो हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में पुट कर दी तो हमारे पास आंसर आ गया। एक्सरसाइज नंबर 5.3 जो है उसमें हमारे पास इसी तरह के फ्रैक्शंस दिए गए हैं जिनमें हमारे पास डिनोमिनेटर में इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है।